जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में तुहाडा स्वागत करदा। जो देश विच लॉकडाउन होया सी तां उस लॉकडाउन दे नाल करोना दी रफ्तार ते लगाम कसी जा सकी सी। उस तो बाद लॉकडाउन ते वी सवाल उठने शुरू हो गए तां अनलॉक फेज वन दा दौर शुरू हो गया। उस तो बाद अनलॉक वन हुंदिया ही जिस तरीके नाल 10-11 दिनां विच मामले सामने आ रहे हैं, उस तो यह चर्चा छिड़की है कि लॉकडाउन फिर तो होना चाहिए। पर यह चर्चा कौन छेड़ रहा ते क्यों छेड़ी जा रही है, ये सवाल नहीं है का। सवाल यह है का लॉक तो अनलॉक तक अप डाउन की होया, इस सारे दे चर्चा करने लिए इस सब दे विचाले तुहानू कुछ डेटस भी देखने पैणगे। टीवी स्क्रीन पर वो डेटस चलते रहेंगे जिहदे नाल तुहानू पता लग जूगा कि अनलॉक हुंदिया ही अप डाउन विच की फर्क पैंदा है। पर लॉकडाउन मसले का हल हैगा कि करोना दी बीमारी है, करोना वायरस है, वो बाकी बीमारियों तो इन्ना खतरनाक है कि असी लॉकडाउन करके इहदा हल कढ सकते हैं। बहुत सारे इहो जे सवाल है कि सवाल एक पूछा कि लॉकडाउन तो अनलॉक तक अप डाउन की। बड़ा सवाल इस डिबेट में यह पूछा जाएगा, देश में करोना की बेलगाम रफ्तार को काबू करने के लिए राह पर तुरना जरूरी। दो खास मेहमान साडा मौजूद रहे, उन्हें तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। डॉक्टर पहला गर्ग साबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज से। डॉक्टर गर्ग खरा बहुत लंबा तजर्बा है, अक्सर तुम इन्होंने डिबेट्स में देखते हो, तो जो मैडिकल साइंस के नाल पोलिटिकल साइंस जुड़ जाती है तो उदो डॉक्टर गर्ग का होना लाजमी है। सिक्ख सद डॉक्टर गर्ग सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी ये साबका सिविल सर्जन ने, ये भी पंजाब दे सेहत ढांचे नाल जुड़े हुए डॉक्टर ने, ये भी अक्सर समाजिक बुराइयां दे खिलाफ बोलते रहते हैं, तो जो मेडिकल साइंस के विचाले पोलिटिकल साइंस आ जाती है उदों भी बोलते, इस करके इन्हों भी असी सद्या कि इन्हों समझिए असी असल में कहानी है की है। डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी सर, तुहाडा भी बहुत स्वागत है। चलो तुहाडे दोनों मेहमानों की फतेह कबूल है सर। सर मेरी तकीद है दोनों मेहमानों को कि तुसी जे इशू नू बहुत बेहतर तरीके नाल वारी वारी से समझा सको तो बेहतर रहेगा, साडे दर्शकों नू चंगी तरह समझ आएगा, क्योंकि इस मामले ते रोला ही पै रहा, समझा कोई नहीं रहा गा, इस करके मेरी तकीद है। वैसे तुसी बहुत समझदार हो दोनों ही मेहमान। डॉक्टर गर्ग सब तो पहला सवाल तुहानू करना चाहूँगा। डॉक्टर गर्ग सवाल यह हैगा कि अप डाउन की है, ये सारे नू पता लग गया लॉक तो अनलॉक तक की होया, तुसी इस डिबेट में चर्चा भी छेड़ लोगे, पर सवाल यह है सर हुण फिर लॉकडाउन मुड़ करन दी चर्चा छिड़ रही है, इस विच महाराष्ट्र सरकार उसने भी संकेत दे दते है, तो दूजिया जिहड़ियां सरकारां हैगियां हौली हौली कह रही कि जिहड़ा कम्यूनिटी स्प्रैड है उन तो डर लगता पिया है। डॉक्टर गर्ग, चर्चा क्यों छिड़ी जा रही है, लॉकडाउन मसले का हल हैगा या नहीं हैगा? देखो जिहड़ा के पी जी, सब तो पहली गल है भी जिन्ना असीं देखते हाँ असीं समझे भी लॉकडाउन एक अखीर समझ लिया। लॉकडाउन की सी बीमारी जिहड़ी कोई भी महामारी फैलती है उहदा पहला स्टैप हुंदा कंटेन करना कि उत्थे रोक दो। हुण पहली गल तां असीं समझे भी लॉकडाउन पीरियड शायद इस वास्ते सी कल्ला वी असीं हस्पताल तैयार कर लाँगे, असीं अपना अमला तैयार कर लाँगे, असीं समान लै लाँगे, कल्ले इस वास्ते नहीं हुंदा। लॉकडाउन इस वास्ते हुंदा जिहड़े बंदे इनफैक्ट आ गए साडे कोले, सानूं पता नहीं वो किहड़े ने, असीं कहिंदे उत्थे जाम हो जाओ, इधर उधर ना जाओ, ताकि फिर उहनां नूं ट्रेस करना हुंदा। हुण असीं लॉकडाउन करके थौड़ी ला के उत्थे बैठे रहे, असीं ट्रेस तां करिया ही नहीं, जब असीं ट्रेस नहीं करिया वो गांह दी गांह वरके होर फैलते गए, क्योंकि जिथे छोटे छोटे कमरे च किन्ने किन्ने बंदे रहिंदे ने, जे उहनां चों इक नूं करोना हैगा सी वो बाकियां नूं भी हो गया, उत्थे अंदर ही बैठा रहा। सो असीं लॉकडाउन नूं इक अक्सीर समझ लिया, जबकि लॉकडाउन ना कोई हल है। जिन्ना दुनिया ने बिना कोई लॉकडाउन करे, बिना एडवाइजरी कोई जारी करे, एक भी मौत नहीं होने दिती, अजे मुड़क आए गए ने। कंबोडिया है उत्थे कोई मौत नहीं हुई, भूटान च कोई मौत नहीं हुई, लॉस च कोई मौत नहीं हुई, यह जिहड़ा असी अच्छा फिर सिंगापुर दे विच सर इन्हां मुल्कां नाल आपां तुलना कर सकदे हां कंबोडिया भूटान नाल, साडी तां पापुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तुसीं अपने आले दुआले एक मिनट मेरी बेनती सुन लो, अपने आले दुआले गुआंढी मुल्क ने जिन्हां नाल आपां इकट्ठे भी रहे हां, जिन्हां नाल आपां एक गुट भी बनाया होया सी, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हांगकांग, वीतनाम, ताइवान, बर्मा, इन चो बहुत सारे पहला भारत का हिस्से ही थे जी। इन्हां सारे मुल्कां दे विच साढ़े नालों डैथ रेट भी घट है, साढ़े नालों इन्हां ने कोई इन्नी स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी नहीं यूज करियां,
श्रीलंका ने सिर्फ 2-3 दिन लॉकडाउन करया सी, बाकी कोई लॉकडाउन नहीं करया। सो इस करके असी जिहड़े जिहड़े मुल्क साढ़े आले दुआले ने असी उन्हां दा देख लईए। असी तां किसी नूं असी यह गल वीतनाम से एक भी डच नहीं हुई, क्योंकि एक विज्ञानक तरीका सी बीमारी नूं रोकण दा। दुनिया के अज 72 देश हो ने जिन्हां च जे पापूलेशन कोई कहिंदा जी घट है वध है, पर मिलियन पापूलेशन के हिसाब नाल भी हिंदुस्तान च केस 72 मुल्कों तो ज्यादा ने। हिंदुस्तान का जिहड़ा 40वें नंबर पर सी वह 4थे नंबर पर आ गया, तो जिहड़ा साउथ कोरिया 2 नंबर पर सी वह 58 नंबर पर चला गया। असी की गल करते हैं, असी लॉकडाउन नूं उत्थे जाम करके सारे अर्थचारे नूं करता जाम। दूजा इस तरह लॉकडाउन तो बाद असी क्वारंटाइन, सब टैसटिंग, असी क्वारंटाइन की ना डेफिनेशन नूं समझिया, क्योंकि एक नवीं गल आई सी साडे सने, थोड़े कने क्वारंटाइन करने एक जगह ते करने सौखा सी, पूरे मुल्क का वो क्वारंटाइन असी की समझ लिया। असी समझन लगे तुसी जी किसी इंस्टीट्यूशन च रखना है, इन्हों उत्थे रखोगे उत्थे तो ज़्यादा कंटैक्ट च आउंगे। होम क्वारंटाइन वैसे असी क्वारंटाइन च आइसोलेशन, दोहां दा कोई अंतर नहीं होंदिया। फिर असी विज्ञानक तरीके असी टैसटिंग टैसटिंग कही गए, जिन्ना चिर असी ट्रेस नहीं करा टैसट किहदा करना, असी टैसट करन लग गए जिहड़ा साडे कोल आ गया कि जी मैनू तकलीफ है, असी ट्रेस तो करे ही नहीं। साडे ही मुल्क दे विच केरला ने यह करिया, उन्होंने ट्रेस करिया, उन्होंने बीमारी पहले रुकी रही है, हुण नवे बंदे बाहरों आ गए, वो इस करके थोड़े उन्होंने केस वधे ने, पर अजे भी उन्होंने काफ़ी हालत अच्छा साडे नालों। ठीक है डाक्टर, डाक्टर मैं वापस आऊंगा तुहाडे कोले, वापस आऊंगा सर तुहाडे कोले। तुसीं बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट चुकिया ट्रेसिंग वाला। डॉक्टर मुल्तानी, ट्रेसिंग असी कर नहीं सके तो लॉकडाउन का मतलब फिर रह की गया? नहीं देखो इस डॉक्टर साहब ने काफी डिटेल दे विच जिहड़ी गल दसी है, पर इस गल नूं आपां नूं समझना पएगा। थोड़ा जिहा उस गल दे विच मैं डिफर करदे पई हुई कि लॉकडाउन तुसीं जदों आपां कीता सी उहदे च मेन परपज यह सी कि बीमारी नवी हैगी है, इहदे बारे सिर्फ ते सिर्फ पहले दिन तों इह गल सी कि इनफेक्शियस बहुत है, कि टच नाल फैलेगी। इंडिया एक एडा वड्डा कंट्री है जिथे कोई भी किसी किस्म की कोई भी बंदिश नहीं है किसी पासों भी, लोग जिहड़े है वह बाहर आवारा घूमना, वेले होके घूमना, बाजारां च घूमना अपना शौक समझते हैं। सो उस गल वास्ते तो मैं ये गल कहांगा कि जिहड़ा पहला पार्ट सी कि लोग थोड़ा जिहड़े हैगे है वह अपने घर रुक जाण, जिस तरह हुण होया, जिस मैं पहले भी ये गल कही सी कि ये दो पार्ट दे विच आना सी। पहला पार्ट जिहड़ा सीगा वह जागरूकता वाला पार्ट सी, लोगों नूं बीमारी दे बारे गल समझाउणी सी। दूसरा पार्ट उसका आना सीगा कि जिहड़ा बंदा बीमार हुंदा वह होस्पिटल च आना सी। सो जिहड़ा होस्पिटल च एकदम आना सीगा वह उदों रुक एक तां रुक गया, नंबर दो लोगों नूं इस गल की बीमारी की जागरूकता भी हो गई, लोगों दे विच जिहड़ा मैं नहीं कहांगा कि डर पाता गया, डर असल च इह गल समझाउण वाला सीगा, वर्ड आपां उसनूं समझौदा कह लईए चाहे उसनूं डर कह लईए। सो लॉकडाउन मेरे अकॉर्डिंगली ठीक होया सीगा, लेकिन लोगों ने उसनूं किवें समझिया, जिवें डॉक्टर साहब भी कह रहे ने, लोगों ने शायद उसनूं इह गल समझ लिया कि लॉकडाउन हो गया तां बीमारी जिहड़ी हैगी आ हुण उह खत्म हो जाएगी। बीमारी ने किसे ढंग नाल खत्म नहीं सी होणा, बीमारी ने अपनी स्पीड दे नाल सिस्टम विच नहीं। डॉक्टर मुल्तानी, डॉक्टर मुल्तानी सवाल यह हैगा, जिहड़ा सवाल डॉक्टर गर्ग ने चुकिया, ट्रेसिंग होनी चाहिए सी, ट्रेस तो असी कीता नहीं, असी लोगों नूं सिर्फ ये कही गए कि तुसी इस बीमारी तो बचना किवें है, जो असी लभने सी ट्रेस करना सी सर असी वह नहीं कीता। सवाल यह है डॉक्टर मुल्तानी, देखो इस तरह सी कि जदों पहला केस एक आया उस तों बाद उस नूं ट्रेसिंग ही सी कि जिहड़ा जिहड़ा उसके कंटैक्ट च आ रहा सीगा उस नूं कंटैक्ट नूं आपां लभिया। पंजाब दे विच जिहड़ा हैगा हुण तुसी देखो ना, जे जिहड़े लोग जिहड़े सीगे जिहड़े कंटैक्ट दे विच आए सी उहनां नूं लभिया, और उस दे विच सब तों पहली एग्जांपल जिहड़ी सी उह नवांशहर दी सी। नवांशहर च जिहड़ा हैगा पहला केस जदों होया सीगा उहदे नाल सारे बंदे जिहड़े हैगे, फिर नवांशहर जिहड़ा हैगा उत्थे केस जिहड़े सर पंजाब दी तुसी गल कर रहे हो, हुणे हुणे पंजाब दी प्रेस रिलीज आई है मेरे कोले, कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण कह रहे आ कम्युनिटी स्प्रेड दा डर हैगा पंजाब विच, इहदा मतलब की है सर? फिर मैं तो पहले ही यह गल कही है कि कम्युनिटी स्प्रैड नूं आपां नूं गल समझ लैना पएगा कि असी एक सीगी जिहड़ी पहली एंड दूसरी स्टेज सीगी उहदे च इह सी कि जिहड़ा तुहाडा करोना पॉजिटिव केस आया उस दे नाल किन्ने बंदे कंटैक्ट च आए हैं उन्हां नूं असी ट्रेस करके उन्हां दे विच जिहड़ा टैसटिंग की गल कीती, पर टैसटिंग दा एक प्रोटोकॉल बनिया होया सीगा, अपने कोल बहुत लिमिटेड किट सीगियां, इन्ना नहीं आपां कह सकते कि अपने कोल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनिया होया सीगा। दूसरा हुण तां केसिस आ ही रहे हैं, इस गल तों मुकरना की है? जे मुकरदे हां तां फिर आपां मैं पहलां वी कहिंदा बेईमानी करदे हां कि आपां मुकरदे हां कि कमेटी स्प्रैड जिहड़ा हैगा उहने, कमेटी स्प्रैड तां हुण दी घड़ी हो चुक्या होया है। डॉक्टर मुल्तानी, तुसी जो मर्जी करी जाओ, आईसीएमआर कुछ होर कह रहा है, मैं वापस आऊंगा उस सवाल ते, मैं ब्रेक ले लवां सर,
वापस आके ICMR का सवाल जरूर करना तुहानू मैं, कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की हुंदा है, कम्यूनिटी स्प्रैड की हुंदा है, इस सब दे नाल ICMR सहमति नहीं प्रगटा रहा। हालांकि कई डॉक्टर जिवें कि इस पैनल विच बैठे डॉक्टर वह भी कह रहे हैं, पर इस सब दे नाल कई सियासतदान भी कह रहे हैं जिन्हों मैडिकल साइंस पर पता भी नहीं, वह भी कह रहे हैं कम्यूनिटी स्प्रैड हो रहा, कम्यूनिटी ट्रांसमिशन हो रहा। यह कम्यूनिटी ट्रांसमिशन हुंदा की है, इस नूं लुकोया जा रहा जां इस बारे किसी के दावे में दम नहीं हैगा जां दावे में दम हैगा, यह सवाल अपने आप में वड्डा। ब्रेक तो वापस आके पुछूंगा जरूर। देश में करोना की बेलगाम रफ्तार को काबू करने के लिए राह तुरना जरूरी। डॉक्टर मुल्तानी तुसी अपनी गल पूरी कर लो सर, मैं एक सवाल तुहानू छड्ड के गया सीगा, तुसी कह रहे हो कि कम्यूनिटी ट्रांसमिशन या कम्यूनिटी स्प्रैड नहीं हैगा गा, ICMR तुहाडे दावे दे तुहाडे दावे नाल नहीं खड़ी सर। हेलो, तुहाडी आवाज, मैं तुहानू ये गल कही है कि कम्यूनिटी स्प्रैड होने की कड़ी हो चुकी है, आपां नूं मान लेना चाहिए इस गल वास्ते। चलो मैं सवाल सौखा कर दा, डॉक्टर मुल्तानी मैं सवाल सौखा कर देवा, सवाल सौखा कर देवा। जे कम्यूनिटी स्प्रैड हो मतलब आम जनता का कसूर है, जे कम्यूनिटी स्प्रैड नहीं होंगे फिर जे कम्यूनिटी स्प्रैड हैगा तो इहदा मतलब आम जनता का कसूर है, तो जे कम्यूनिटी स्प्रैड नहीं हो रहा इहदा मतलब सरकार का कसूर है। नहीं नहीं नहीं, इस हाँ। इस तरह नहीं है, देखो ये बीमारी है, बीमारी नूं समझना पएगा, इहदे च सियासत वाली कोई गल नहीं है, कसूर किसी का नहीं है इस विच, जिहड़ी हैगी है कसूर बीमारी का है, बीमारी जिहड़ी हैगी है इनफेक्शियस हैगी है, बहुत वारी कहे है ओपनली कहे सी कि लोग जिहड़ी जदों ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलेगी उस दे विच एक तां सियासत एक धर्म यह दो चीजा जिहड़ियां ने इहदे विच आउणियां ही आउणियां ने घुम घुमा के, क्योंकि लोग जिहड़े ने उह बीमारी नूं आपां जो डॉक्टर हैगे आ असीं बीमारी दी गल करदे आ, लोग जिहड़े हैगे ने जिहड़ा बीमार भी होया हुंदा उह भी कई वारी धर्म दीआं गल्लां करन लग जांदा है। मेरे कोल अज ही एक केस आया सीगा विच कि इह जदों लॉकडाउन होया उह बीमारी दा जो सोशल मीडिया दे उत्ते शोशेबाजी चली इन्ना कुछ अफवाहां फैलियां उस तों डर गया ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਟਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਡਾਟਾਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ICMR ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਘਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕੋਕਾ ਟਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 250 ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25,000 ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ?
नहीं करी ना, मैं नहीं यही की, कहना नहीं की सर। डट कर अगला सवाल भी सुनो सर, अगला सवाल भी सुनो नाल ही। पंजाब पंजाब के सेहत महकमे ने सर डट गर्ग पंजाब के सेहत महकमे ने घर घर आपके वर्कर भेजे थे जोड़े जाके डिटेल मंगते सी तुहाडा नाम की है, तुहाडी उमर की है, तुहाडे परिवारक मैंबर की है, किसी नूं कोई लक्षण तो नहीं है कोल्ड दे जां हाँ वो सर वो ट्रेसिंग होंगी है, वो अंकड़े कट्ठे करने होंगे की होंगे सर, वो कोई दसूगा कि मैं मैनू है। हाँ जी मैं पहला हूँ मेरी गल सुन लो ना, जी कह ली अपनी गल। पंजाब ने कोशिश करी है, इस कोई शक नहीं है, ये ट्रेसिंग दा ही पार्ट हुंदा है, ये कोशिश लेट करी है, पहला नहीं करी, ये जब रौला बहुत पै गया। ये फरवरी दे विच पंजाब दा थोड़े केस घट होने का कारण यही सी, इन्होंने हवाई अड्डा से मुस्तैदी ज्यादा करती सी बाकियों के मुकाबले, अमृतसर भी इतमादी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि पंजाब दे विच एनआरआई काफ़ी आ रहे थे, फिर रौला पै गया जी, हुण उस वाले आ गए जी तबलीगी शायद आ गए, फिर आ गए हजूर साहब तो आ गए। असी इस जे देखिए मुल्क दे विच असी सरकारां कोल पावर नहीं छड्डी, पंजाब ने अपनी, असी स्टेटां दे हुण नुक्स कढ रहे हां, सारियां पावरां केंद्र कोल सीगियां, केंद्र ने फैसला करदा वी कि दुकान खुलू कि नहीं खुलू, कि बस चलू कि नहीं चलू, जे केंद्र ने फैसले करने से फिर केंद्र कुछ काम भी तो करता। आईसीएमआर का जो सवाल है, आईसीएमआर जो रिकॉर्ड के उत्ते है, आईसीएमआर ने कहा सी ट्रेसिंग करो, आईसीएमआर ने कहा सी घर घर वर्कर भेजो, नाले उन्होंने खाना भी भेजो, ये आईसीएमआर का हम रिकॉर्ड है, यदि रिसर्च हो चुकी है, उन्होंने डाकूमेंट मिल चुके हैं, सरकार ने नहीं मनिया। सो सरकार ने असी रियलिटी जाइए कि सरकार ने लॉकडाउन करके बीमारी पर ध्यान देने की बजाय होर गल्लों पर ध्यान दिता है। तुसी कोई बंदा दस सकता भी गुजरात च इन मौत क्यों हुई ने, हाईएसट जिहड़ा रेट है मौत का, केस फैटलिटी रेट कहने असं, इनू 6.5% है, ये क्योंकि जिस वेले ट्रंप आया वो करोना आए, वो जफ्फिया पाते रहे उत्थे कठघड़ा सब तो ज्यादा अहमदाबाद हो रहे हैं। सो सानू एक रियलिटी मान लेना चाहिए कि असी दूजा फड़न से बंद अंदर करते असी सरकार तोड़न से असी ध्यान तो उन्होंने गलों से रखे, असी इस गल पर ध्यान ही नहीं रखा भी यह वही बीमारी है, असी इन्होंने तो लॉकडाउन करके बाकी चुप कराता भी जोड़ा बनू अंदर कर देंगे। सर कम्युनिटी कम्युनिटी ट्रांसमिशन है डट अगर थोड़ा ना कम्युनिटी ट्रांसफर से आ जाना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन डॉक्टर साहब ने भी ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसफर होंगी की है, यह एवं लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब यह होंगे भी बीमारी लोगों च इन्नी फैल गई कि तुम कले कले तो सू पता नहीं लगता भी इनू की तो लगी है, इनू असं कहना भी कम्युनिटी जो ज्यादा फैल गई वह गांह की गांह दूजे लगी जाती है। जे बीमारी के बंदे थोड़े को आइडेंटीफाई ने फिर वह कम्युनिटी स्प्रैड होंगे ही नहीं, आम तौर पर यह हो ही तो कि असं आइडेंटीफाई तो करे नहीं, वो बंदे बाहर तुरद रहे। दूजा ये की है कोरोना एक वही गल जी है, जोड़ा फायदा भी है नुकसान भी है, 80% मरीज ये सिमटोमैटिक ने, हूँ ये सिमटोमैटिक मरीज कौन होंगे, करोना शरीर के जाता है, करोना का वायरस ज्यादा अंदर चलेगा वो संक्रमित मरीज है, इनफेक्टेड मरीज है, पर मरीज नहीं है इनफेक्टेड व्यक्ति है, मरीज उदो बनता जब वह वायरस वो सैल के अंदर जाके आपकी वाधा शुरू करता है, फिर वह आरामता शुरू करता है, बॉडी उसके उत्ते प्रतिक्रिया करता है। वो 80% बंदे तो वह ने जिन्हें अंदर बॉडी ने उन्हें रिएक्ट ही नहीं कराया, उन्होंने थोड़ा कह जो सिमटम पता ही नहीं लग्या, उन्होंने को उन्होंने फैलाई जाना है। सर जे डॉक्टर गर्ग तुसी ये कह रहे हो 80% लोकां तुसी जिंदा जिक्र कर रहे हो डॉक्टर गर्ग, फिर ट्रेसिंग किवें संभव सी सर, ट्रेसिंग किवें संभव सी? मैं दसदा ट्रेसिंग संभव किवें हुंदी है, ट्रेसिंग यही तां मैं कहना, हां ट्रेसिंग संभव की है, आया कित्थों वायरस, बाहरों आया ना, हां बाहरों आया तां असी जाके जिहड़ा पंजाब दी जिहड़ी तुसी एक्सरसाइज करो उसे दा इक पार्ट सी, क्योंकि केरला तों इन्हां ने मारी जी ओ लई, जिहड़ा बंदा बाहरों आया है उहदे घर जाके इह कौन कौन इहदे नाल लगे हुए ने उन्होंने टैसट करने ने, असी जे करने ने उन्होंने आइसोलेट, उन्होंने पहला क्वारंटाइन करना है, जे किसी सिमटम ने तो उन्होंने आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब होंगे वो दूजे बंद नहीं लगन देना, उन्होंने दूरों ही थोड़ा जहा देना सारा कुछ, क्वारंटाइन का मतलब होंगे थोड़े डिस्टेंस से मेनटेन करके वो रहेगा घर ही, वह सारा कुछ ही है, आइसोलेशन का मतलब वक्रे कमरे च रखना। सो इन दोहां नूं असी डिफरेंशिएट नहीं करिया, असी क्वारंटाइन आइसोलेशन एकांतवास साढ़े सोशल मीडिया के राही साडे जिन्हों बहुत इन्हें टैक्नीकल टर्मी ना डिफाइन करे ना देखने की कोशिश करी क्वारंटाइन की है आइसोलेशन की है। चलो क्वारंटाइन सर क्वारंटाइन आइसोलेशन का तुम मतलब समझा था डाटा करके, मैंने एक चीज़ होर दस दो, टैसटिंग जो टैसटिंग के सवाल बार बार उठते हैं, टैसटिंग साढ़े मुल्क में घट हुई है, उन्होंने असं ट्रेसिंग के नाल टैसटिंग डाउन कर दी है, हूँ ट्रेसिंग का सवाल चुकी है? नहीं नहीं ट्रेस करांगे ताही तो टेस्ट करांगे, जी ट्रेसिंग ही नहीं करी फिर असी टेस्टिंग ही असी हरेक दी जाके टेस्ट कदा करी जाना है, ट्रेस करांगे सानू संभावना बनेगी, तुसी समझो भी जे सानू ये लगेगा कि बंदे नू करोना हो सकता है, जां ये करोना दा कंटैक्ट है जां ये शक्की है,
ट्रेस टेस्ट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਟ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 20,000 ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, 30,000 ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, 60,000 ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 5,000, 4,000, 7,000, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਲੌਕ 1 ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 94,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਖਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਰੋਨਾ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਨਲੌਕ 1 ਦਾ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੇਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਲੌਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਡਣ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੇਡਣ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਕਿ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸ ਔਰਗਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕ ਤਾਈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਲਡ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
उसने शरीर नूं अजे इफेक्ट करना नहीं शुरू किया, आपां टेस्ट करके पता लग गया कि वह कोविड पॉजिटिव है, उहनूं एसिम्पटोमैटिक कहता गया। फिर अगली बीमारी आउंदी सी कि तुहाडी तुहाडे कोल बीमारी है, जरूर है, वायरस भी हैगी है, लेकिन उहदे नाल नाल इस तरह दीआं होर बीमारियां भी हैगीआं ने जिन्हां नूं आपां कंट्रोल करना है। सो जिहड़ा डॉक्टर ने ट्रीट करना है उसने वह नाल वालीआं बीमारियां नूं ट्रीट कर दिंदा है। इस करके मरीज की मेरी गल समझ जी 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 बोलो बोलो बोलो। मरीज की सोच रहा है कि मैं तो जी तो दवाइयां मैं पहले खा रहा है जी, उही दवाइयां मैंने डॉक्टर ने दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उसनूं उन्हां बीमारियां नूं कंट्रोल करके कि उहदी होर कंप्लीकेशन ना होवे ये करना है। तीसरा पार्ट यह सीगा कि वायरस जी हैगी वह इन्नी ज़्यादा अंदर वध चुकी है कि उसने अपना इफेक्ट करना शुरू कर दिता, जिद गल स्टार्ट हुई सी कि पहला तक थ्यूरी आई सी कि नमोनिया मतलब लंग की डिजीज है, फिर आई सी कि यह बीमारी जी हैगी है अंदर जाके तुहाडे रेड ब्लड सैल्स नूं खा जांदी है, फिर इसकी थ्यूरी आई सी कि यह अंदर जाके तुहाडे नाड़ां की सोजिश भी कर देती है, हार्ट नूं भी इफेक्ट करती है। सो इस करके एक जी तीसरी मैं तुहाडे नाल दस रहा हां कि जी तीसरी स्टेज जी हैगी है असल च यह जी हैगी है जदों हुण मरीज हस्पताल दे विच दाखल होने हैं उस टाइम के उत्ते यह तीजी स्टेज है जिस दे विच बीमारी करोना वायरस का जो वायरस है वायरस लोड इन्ना ज़्यादा वध गया है कि उसने शरीर के कई सारे अंगों को इफेक्ट करना शुरू कर दिता, जिद आपां किडनी की गल की हार्ट की की लंग की की सीवियर केस होंगे वो एमरजेंसी होंगी है सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं तुहानूं पहला भी यह गल कही सी कि मरीज आपां नूं दो स्टेज समझ लैना पएगा कि पहली गल सी कि लोकां नूं जागरूक करना है बीमारी के बारे में और उन्होंने प्रकाशन लैन वास्ते कहना। तीसरा ऐसे कहा कि जदों मरीज बन गया उदों की करना आपां ठीक है सर। मैं कहना लोकां नूं खुश होना चाहिए कि बीमारी जिहड़ी हैगी है शरीर ते ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, जिस तरह आपां 80-85% लोक जिहड़े ने उन्होंने आपां ठीक है डॉक्टर मुल्तानी वापस आऊंगा तुहाडे कोल। आपां क्यों लोक क्यों सीवियर केसेस ते जाना चाहुंदे आ मैनूं नहीं समझ लगदी जे लोक ठीक है डॉक्टर मुल्तानी मैं आऊंगा वापस तुहाडे कोल। डॉक्टर गर्ग सर मैं सर एक चीज समझना चाहुंदा मैं सरकारां दी जिम्मेवारी हुंदी है साडी सेहत दा ध्यान रखना क्योंकि असी सरकारां नूं वोटां पाईआं असी सरकारां नूं टैक्स दिंदे आ डॉक्टर गर्ग सरकारां नूं सर फिर किहो जे सवाल करे कीते जाण क्योंकि सरकार ने सर लॉकडाउन लाता सरकार ने अनलॉक करता सर सरकार ने सारियां मंगां तां मान लीआं सरकार की करे। मैं डॉक्टर मुल्तानी साहब नाल इस गल ते वी ड्यू रिगार्ड डिफर करदा कि सब कुछ पता सी सरकार ने 10 मई को एक नोटिफिकेशन जारी करी है क्योंकि हुक्म दे नाल चल रहा है दिल्ली तो हुक्म हो रहा है दिल्ली तो फैसला हुंदा है कि जी जेड़े माइल्ड टू मॉडरेट पॉजिटिव केस ने उनू होम आइसोलेशन करनी है पर जेड़ा बंदा क्वारंटाइन करना उनू इंस्टीट्यूशन च करना है। यह फैसला टैक्निकली भी गलत है एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत है विज्ञानिक तौर पर भी गलत है क्योंकि जब तुम इंस्टीट्यूशन च बंदे नू रखोगे जिहदा पता ही नहीं भी इहनूं करोना होना भी है कि नहीं तुहानूं उही शंका है भी शायद यह किसी का कॉन्टैक्ट ना हो तो जे वो को जोड़ा मिलना होगा वनू करोना कर सकता है जे वो अंदर करोना की पॉजिटिविटी हो तो उधर जा सकता पहली गल यही है। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल टोटली बिना सोचे समझे गलत हाइड्रोक्लोरोक्सीक्लोरोक्वीन का कोई यह जहाँ नहीं पोलीटिकल बनाया गया ट्रंप ने मारा दबका फिर इन्होंने देती पहला बंद करती जब इन्होंने चाइना तो इतने रोज़ रौला पाते हैं भी चाइना तो समान ना लो चाइना तो समान ना लो सारा समान चाइना तो मंगाया तो ट्रंप ने चाइना को कहता भी साडा वापस इधर भेजो उन्होंने भेजने वाला ये चुप कर गए। फिर इन्हां दी एक प्रिंसीपल मैडिकल कॉलेज की कह रही है कि मुसलमानों नूं मार दो प्रिंसीपल मैडिकल कॉलेज की यूपी की एक गुजरात के हस्पताल वक्रे कर दो मुसलमानों के बैड वक्रे कर दो डॉक्टर ओपनली कह रहे हैं ये मुसलमान इन्हां नूं मार दो ये अनाज है ये डॉक्टरी है ये तो इंसानियत भी नहीं डॉक्टरी तो उदू बहुत उच्चा पेशा है डॉक्टर तो लोग रब तो दूजे दर्जा कहते असी फिर यही तबलीगी ने फड़ाता तबलीगी ने किन्ना फड़ाया सी उन्होंने रखे कि नहीं सी ये जी फिर हजूर साहब वाले ने फड़ाता हजूर साहब ने उत्थे बन के किने रखा 23 तरीक नूं उन्होंने उत्थे इत्थे लिआंदा क्यों नहीं गया गड्डियां चलदियां सी कि स्पैशल गड्डियां चार लाए आउंदे सीधी गड्डी आउंदी है हजूर साहब तो ये जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले गलत करे गए ने धक्का करा गया लोगों नाल 100 करोड़ बंदे नूं बिल्कुल बदरीन करके मारिया 54 करोड़ मजदूर प्रवासी मजदूर से इधर उधर गया पैदल तक 1200-1200 किलोमीटर एक लड़की अपने बाप को खिंच के ले जा रही है वो सानू नज़र नहीं आ रहा रेल के उत्ते बेचारे डिग के मर जाते हैं वो सानू नज़र नहीं आ रहा असी एक टैक्निकल टीवी वो आए होंगे हूँ मैं ए होंगे भी गल करना ए होंगे तो गल की है
80% एसिम्टोमैटिक होंगे ने मरीज सुन लो ये सारी दुनिया के रिसर्च पेपर सामने आ गए ये कोई रुकी गल नहीं हिंदुस्तान आपकी एरोगेंस नहीं मान रहा दुनिया के चाइना के यूएस के इटली के साउथ कोरिया के इंग्लैंड के जर्मनी के पेपर सामने आ गए मौत किन्ना दी हुंदी है करोना की तकलीफ किन्ना नूं जा रही है जे असी हरेक नूं ही जिहड़ा रज्जा उहनूं भी लंगर छकाउण लग जाणा जिवें इत्थे लंगर छकाउंदे ने ते जिहड़ा भुखा उहनूं भी उन्ना की दिंदे आ फिर तां हाल साडा माड़ा ही होणा जद असी इह 80% एसिम्टोमैटिक ने जिहड़े सिम्टोमैटिक ने मैं इह नहीं एग्री करदा इह सिम्टोमैटिक उह हुंदे ने जिन्हां सिम्टम है ही नहीं दूजे माइल्ड ते मॉडरेट ने इह पूरी स्टडीज़ आ गईआं कि 85% to 90% माइल्ड टू मॉडरेट हुंदे ने उहनां नूं कोई हस्पताल 'च रखण दी लोड़ नहीं उन्हां नूं कोई इलाज करन दी लोड़ नहीं उह आपे सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है नवीं जरूर है पर सेल्फ लिमिटिंग है सबनों पता है इस तो अगे जो बाकी 10% ने वो 8% वह होंगे ने जिन्होंने हस्पताल इलाज की लड़ है पर बहुत वे इलाज की लड़ नहीं होंगी 2% होंगे जो सीरीयस होंगे ने जिन्होंने वेंटीलेटर तुम ये कहना चाह रहे हो कि कोरोना कोरोना बड़ा खतरनाक नहीं है जिन्ना बनाया गया तुम यही कहना चाह रहे हो लॉकडाउन की चर्चा क्यों छिड़ रही है ते कौन छिड़ रहा है लॉकडाउन मसले का हल है कि नहीं है असीं सवाल यह भी पूछा है ब्रेक तो वापस आके इस सवाल अगे बतावे आखिरी हिस्से में अभी होवे सवाल असं पूछ रहे इस चर्चा में देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को काबू करने के राह से तुरना जरूरी डॉक्टर गर्ग तुम अपनी गल भी पूरी कर लो तो सर जो एक गल कह रहे थे मैंने इं लग गया भी तुम कोरोना ज़्यादा खतरनाक नहीं मानते बाकी बीमारियों की बनस्पत मैं आ रहा सब कुछ आऊँ ठरमे समझ लगे अपने पता लग जाओ अभी भी की करना कोई दिक्कत नहीं है जिहड़े बाकी 10% रह गए उन्होंने 8% ने जिन्होंने हस्पताल से साधारण इलाज न ठीक हो जाने 2% ने जो सीरीयस हो गए वो कोई नवी गल नहीं आई भी सानू हुण पता लग गया इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन कहने असीं IVC इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन हुंदी है एम्बोलिज्म हो जाता है ये कोई नवी गल नहीं है ये नोन है सीरीयस पेशेंट्स के चाइना की स्टडीज़ के भी किन्ने 13% मायोकार्डियल प्रॉब्लम्स आदि ने 18% न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आदि ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस होंदा है इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन ये सारा कुछ पता सी कोई ऐ नहीं है भी होने आईया ने स्टडीज़ ये सारिया दिखदियां सी क्योंकि वायरस करते हैं जब सीरीयस मरीज होंगे उसके लिए सारा कुछ होंगे छोटे बच्चों को IVC बहुत ज्यादा होंगी थी MAPGAC सानू पता जी IVC कितना होंगी थी इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन कहने सारा खून जम जाना अंदर ही कितने खून वगी जाना नाले क्योंकि वो कोआगुलेशन नहीं रही ऑक्सीजन की इनकैपेसिटी रही हूँ मैं जी गल करता जेडे 2% सीरीयस होंगे ने उन्हां चो 100 जो मरीज सीरीयस दाखिल होया है 49 मरते हैं 51 बचते हैं ये सारे डेटे आ गए एक दूजा डेटा मैं दसांगा तुसीं सैग्रीगेट करना होंगे जिन्हें 50 साल तो घट उम्र के लोग ने सारी दुनिया की स्टडीज आ चुके रीसेंट लेटैसट अमरीका के जिन्हें मौत हुई ने 1,16,000 के किनिया भी 1,00,000 के करीब की स्टडी आ चुकी है 50 साल तो घट की जी मौत दर है वह 0.2% है उदू ज़्यादा मौत एक्सीडेंट हो रही ने सो 50 साल तो घट अंदर लॉक करके की करना सी कोमॉर्बिडिटी नहीं जो डॉक्टर साहब ने कहा कोमॉर्बिडिटी ना हो जेडे नॉर्मल ने तंदुरुस्त ने कोई ब्लड प्रेशर नहीं कोई हार्ट डिजीज नहीं कोई शुगर नहीं कोई किडनी की बीमारी नहीं कोई सह की बीमारी नहीं कोई कैंसर नहीं उन्होंने कहो भी आपके काम करो असी सारे बंद करता इस तो अगे 50 to 60% जेडे उम्र वाले ने उन्होंने 1.3% डैथ रेट है मैक्सीम डैथ जी हुई है वह 65 साल तो उपर वाले की हुई है सब तो ज़्यादा डैथ रेट 65 साल तो उपर भी जिन्होंने ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी है वह भी कही जाते जी मैं 80 साल का मैं तो कुछ होया नहीं बी ए थोड़ा भी हरेक हो जाना है सो जी उन्होंने रोकने की लड़ सी अंदर वो रुक जाने भी सी असी कहने असी अवेयरनैस करिए असं अवेयरनैस करिए नहीं अभी तो सब ने एक रस्से वरता भी अंदर बंदे रहो जाना ही नहीं तुम बाहर ये बढ़ के असी डर पैदा कर भय पैदा कर स्टेट ने डंडा चलाया और उस डंडा चलाए तो वो की कर कानून बदलता परचेज का वो की कर लेबर ला बदलते भी 12 घंटे की ड्यूटी करनी तो रौला पै गया वो सरकार तोड़निया शुरू करती MLA खरीदने शुरू करते सारिया पार्टिया ने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जिनी मैं पढ़ के मैं एक किताब भी लिख रहा तकरीबन पूरी होने वाली है कोविड पूरी डिटेल सारी रिसर्च सारा ये जिन्हें भी व्यू पॉइंट ने वो भी ला के
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਸਾਤਾ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 40 ਕਰੋੜ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ, 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਏਐਨਐਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਲਤਾਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਹਰਨ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਮਲਤਾਨੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਘੜੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਈਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਹੁਣ? ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ? ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਵੱਧ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੋਟਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ
प्रशासन ठीक कर सके इन्होंने कठे होके करना सी ये कम्युनिटी नू ना इन्होंने इनवॉल्व करे कम्युनिटी दे डंडा चलाया कम्युनिटी नू इनवॉल्व कर लेंदे न्यूजीलैंड ने यही करे वो कहंदे असी 60 लख लोग असी आपदा सारे कठे हां टीम है इन्होंने कोई टीम नहीं बनाई ये तां पॉलिटिकल पार्टियां च इक दूजे नाल लड़दे रहे चलो ठीक ठीक है सर ना चराज 138 करोड़ नू कठे नहीं करोगे इक जान होके नहीं कम करोगे नहीं कंट्रोल होना चलो डाटा कर तुहाडा बहुत धन्यवाद डाटा मुल्तानी तुहाडा बहुत धन्यवाद तुसीं दोनों ने एको पॉइंट बड़े जोर शोर नाल उठाया कि राजनीति दे राह तों पासे होना पवेगा तां ही असीं मसले हल कर सकदे हां जिहड़ा एक सवाल अखीर दे विच आया कम्युनिटी नू इनवॉल्व करना पवेगा टीम है जड़ी टीम एफर्ट करने पैणगे फिर ही मसले हल हो सकता है मरीज़ नू मरीज़ समझना पवेगा जे मरीज़ नू असी राजनीति का हथियार समझांगे फिर असी मसले का हल नहीं कर सकते चाहे असी लॉकडाउन कर लिए चाहे असी अनलॉक पलवा दिए बहुत धन्यवाद।